अगली खबर रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र की है। प्रदेश के साथ साथ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों चौपट है। अगर यूं कहें कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों की जान भगवान भरोसे है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खासकर ग्रामीण अंचलों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है। ताजा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां राजनैतिक संरक्षण प्राप्त चिकित्सक दोपहर तक अस्पताल नहीं पहुंचते, जबकि सैकड़ों मरीजों की भीड़ ओपीडी में लाइन लगाकर खड़ी रहती है। यहां के जनप्रतिनिधि अन्य विधायकों के कार्य को अपना कार्य बताकर वाहवाही लूटते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। अस्पताल पहुंचे मरीजों ने बताया कि यहां का हाल बेहाल है। कभी कभार चिकित्सक आते हैं और वो भी ज्यादा देर ओपीडी में नहीं बैठते। आने के कुछ समय बाद ही पुनः अपने घर चले जाते हैं, जहां मरीजों से फीस लेकर देखते हैं। उक्त मामले को लेकर कांग्रेस नेता कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर देने का वादा करने वाली सरकार पूरी तरह से फेल है और इसका खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। आपको दिखलाते हैं स्वास्थ्य केंद्र का हाल और सुनाते हैं कांग्रेस नेता ने क्या कहा है। स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण किया है आज, क्या स्थितियाँ मिली, क्या मिला वहाँ, कैसी व्यवस्था है? आज मैं 10 बजे के लगभग सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र, एक परिवार के जन पीड़ित थे, बीमार थे, उनको देखने गया था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ 10:05 पर, वहाँ ओपीडी बंद थी, जहाँ दवाइयाँ बढ़ती थी वहाँ ताला लगा हुआ था और डॉक्टर अनुपस्थित थे। ये महज मैंने सिमरिया का दिखाया है आप सबको, ये हाल रीवा जिले के संजय गांधी जिला चिकित्सालय, जितने सीएससी केंद्र हैं, पीएससी केंद्र हैं, सारों में जनता को डॉक्टर और दवाई नहीं मिल रही है। सिर्फ भाजपा की घोषणा, प्रचार और बार बार उद्घाटन करने का नतीजा है कि जनता को राहत बिल्कुल नहीं। और बार बार ये कहते हैं सब मिल गया, सब मिल गया। आप चलिए, मैंने आज वीडियो बना के दिखाया है कि 10:05 पे ओपीडी नहीं खुलती। आप सोचिए मरीजों का क्या हाल। जो जनप्रतिनिधि हैं, फीता काट कर पुनः निर्माण, पुनः है अपना वही कार्यों को दिखाना, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, अब उसकी आगे योजना को बढ़ाना है, समुचित उसका उपयोग मिले जनता, उसके लिए कोई बात नहीं करता। देखिए, आम जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा का आप हाल देख ही रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है भाजपा सरकार। रोजगार में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य बचा था, स्वास्थ्य को ये ले डूबेंगे। गरीब आदमी को कोई उपचार नहीं, गरीब आदमी उपचार बिना अपने प्राण त्याग रहा है। जिस तरह कोरोना में आपने देखा ही, ऑक्सीजन, बेड, दवाई की कमी से लोगों ने अपने प्राण त्यागे, अपने लोगों को खोया है। यही हाल अभी भी निरंतर जारी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता आगे आएगी और भाजपा सरकार को हटाएगी।